हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार देवलिया आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हमारे टॉपिक जियोलॉजिक टाइम स्केल के सेकंड पार्ट की, जिसमें हम स्टडी करेंगे जियोलॉजिक टाइम स्केल का लास्ट योन या वो योन जो अभी चल रहा है, जिसका नाम है फेनेरोजोइक योन। तो फेनेरोजोइक योन, जैसा कि फेनेरो मीनिंग हाईली विजिबल और जोइक मीन्स एनिमल्स, तो इस फेनेरोजोइक योन में एनिमल्स का अधिक डाइवर्सिफिकेशन हुआ और एनिमल्स और प्लांट्स, हम कह सकते हैं दोनों की हाई डाइवर्सिटी देखने को मिली। तो फेनेरोजोइक योन है, फेनेरोजोइक योन को तीन एराज में डिवाइड किया गया है, तीन एरा में बांटा गया है। एक पैलियोजोइक एरा जो कि ओल्डेस्ट है, उसके बाद मीजोजोइक एरा जो कि मिडिल वाला है, और न्यूएस्ट जो एरा अभी चल रहा है, जिसका कि नाम है सीनोजोइक एरा। तो हम बात करते हैं जो कि ओल्डेस्ट एरा है, पैलियोजोइक एरा। तो पैलियोजोइक एरा जो है, इसमें फाइव पीरियड हैं, या इस एरा को पांच पीरियड में डिवाइड किया गया है, और इन पीरियड को हम कह सकते हैं ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, पुराने से लेकर के पुराने से नए तक के एक सीक्वेंस में कैम्ब्रियन पीरियड, ऑर्डोविजियन पीरियड, सिल्यूरियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड और परमियन पीरियड। और सिंपली हम इसको याद करने के हिसाब से लिख बोल सकते हैं कॉस डीसीपी, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविजियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन, ये पांच पीरियड हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पीरियड, जिसका नाम है कैम्ब्रियन। तो इस कैम्ब्रियन पीरियड को एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स भी कहा जाता है, कैम्ब्रियन पीरियड को एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इस कैम्ब्रियन पीरियड में ट्राइलोबाइट्स जो कि एक टाइप के आर्थ्रोपॉड्स थे, जो प्रिमिटिव आर्थ्रोपॉड्स थे, वो ट्राइलोबाइट्स थे, वो उस समय पर सबसे अधिक थे और डोमिनेंट थे। और इस कैम्ब्रियन पीरियड में ही मैक्सिमम एवोल्यूशन हुआ, अधिकतर जो इंसेक्ट बने या जो भी एवोल्यूशन हुआ, अधिकतर एवोल्यूशन या हाई डाइवर्सिटी जो देखने को मिली वो इसी कैम्ब्रियन पीरियड में देखने को मिली। और इस कैम्ब्रियन पीरियड में पहला कॉर्डेट एपियर हुआ, या पहला जो कॉर्डेट था वो दिखाई दिया। इसके बाद हम बात करते हैं अगला पीरियड, जिसको कि ऑर्डोविजियन के नाम से जाना जाता है। इस ऑर्डोविजियन पीरियड में कोरल्स, प्रिमिटिव फिशेस, गैस्ट्रोपोड्स और फंजाई इत्यादि का एवोल्यूशन हुआ। इसके बाद है सिल्यूरियन पीरियड। तो सिल्यूरियन पीरियड के अंदर फर्स्ट लैंड प्लांट के फॉसिल्स दिखाई दिए और पहली जॉ फिशेस दिखाई दी सिल्यूरियन पीरियड के अंदर। वो फर्स्ट जो प्लांट थे वो वास्कुलर टाइप के थे, और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट वास्कुलर प्लांट, वास्कुलर प्लांट मतलब कि टेरिडोफाइट्स। इसके बाद
सिल्यूरियन के बाद बात आती है डेवोनियन पीरियड की। तो डेवोनियन पीरियड को एज ऑफ फिशेस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय फिशेस सबसे ज़्यादा थ्राइव हुई या फिशेस सबसे ज़्यादा फली फूली इस डेवोनियन पीरियड में। और इसी डेवोनियन पीरियड में सेकेंड मास एक्सटिंक्शन हुआ, या अधिक मास एक्सटिंक्शन मतलब अधिक मात्रा में या अधिक नंबर में, अधिक संख्या में लाइफ का एक्सटिंक्शन होना या जीवन का विनाश होना, उसे मास एक्सटिंक्शन कहा जाता है। तो इसी डेवोनियन पीरियड में फर्स्ट एम्फीबियंस दिखे और फर्स्ट जिम्नोस्पर्म्स दिखे और जैसा कि हम बात कर चुके हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फिशेस हुआ, क्योंकि ये एज ऑफ फिशेस है इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फिशेस भी इसी टाइम के दौरान हुआ डेवोनियन पीरियड के दौरान। अब बात करते हैं अगला पीरियड जिसका नाम है कार्बोनिफेरस पीरियड। तो इस कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर पहला रेप्टाइल अपीयर हुआ और इसी दौरान फर्स्ट विंग्ड इंसेक्ट जो कि कॉकरोच था या कॉकरोच के समान दिखने वाला इंसेक्ट था वो अपीयर हुआ, दिखाई दिया। और इस कार्बोनिफेरस पीरियड को एज ऑफ एम्फीबियंस भी कहा जाता है, एज ऑफ एम्फीबियंस भी इसको कहा जाता है। हम बात करते हैं परमियन पीरियड की, जो कि इस पैलियोज़ोइक एरा का लास्ट परमियन या लास्ट पीरियड है जिसका नाम है परमियन पीरियड। तो इस पीरियड के दौरान जिम्नोस्पर्म जो थे वो डोमिनेंट प्लांट थे और इस परमियन पीरियड में ही मास एक्सटिंक्शन हुआ, जो कि अर्थ की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन है और इसी के अंदर सबसे अधिक डेथ हुई, जो कि लगभग 96% डेथ इस दौरान देखने को मिली। इसके बाद हम बात करते हैं अगले एरा की जिसका कि नाम है मीज़ोज़ोइक एरा। तो मीज़ोज़ोइक एरा जो है इस एरा में फर्स्ट मैमल कम ऑन अर्थ मैमल का ओरिजिन हो गया, पहला मैमल इसमें दिखाई दिया या पहला मैमल जो था वो ओरिजिनेट हुआ और इसमें फर्स्ट डायनासोर भी दिखाई दिए और इसी दौरान रेप्टाइल्स जो थे वो डोमिनेंट हुए। मीज़ोज़ोइक एरा के अंदर जो ट्रायसिक पीरियड है उस दौरान। इसके बाद मीज़ोज़ोइक एरा का जो अगला जो पीरियड है जिसका नाम है जुरासिक पीरियड, इस जुरासिक पीरियड को एज ऑफ डायनासोर के नाम से जाना जाता है और जुरासिक पीरियड में डायनासोर बहुत डोमिनेंट थे। और अब इस जुरासिक पीरियड में ही आर्कियोप्टेरिक्स जो कि लिंक होता है बर्ड्स और रेप्टाइल के बीच भी, वो उसका फॉसिल भी देखने को मिला था। इसी दौरान का था वो जो फॉसिल था आर्कियोप्टेरिक्स का,
वो मिला। और इस जुरैसिक पीरियड को और इस जुरैसिक पीरियड में ही फर्स्ट जो बर्ड है,